नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। धरती पर कुदरत का प्रकोप जारी है। अमेरिका में मचाई 60 तूफानों ने भयंकर तबाही, 8 करोड़ लोगों की बसावट प्रभावित हुई है। अमेरिका में तूफानों ने तांडव मचा दिया है। यहां 7 राज्यों में करीब 60 तूफान आए हैं जिनसे करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है। जगह जगह बिजली के पोल टूट गए हैं, हजारों पेड़ दोस्तों उखड़ गए हैं। तूफान ने बड़ी संख्या में घर आवास को तहस नहस कर डाला है। वहीं पावर सप्लाई ठप होने से लाखों लोग अंधेरे में हैं। ताजा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को दर्जनों खतरनाक टॉर्नेडो आए हैं जिनमें अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग फंसे हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिका के साउथ और मिड वेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में टॉर्नेडो और साइक्लोन का कहर बरपा रहा है। यहां सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में तूफान के कारण बिगड़ते हालातों ने दर्जनों लोगों की जान ले ली है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आपदा से संबंधित घटनाओं में कई लोग मारे गए हैं। कैलिफोर्निया के कई शहर पूरी तरीके से जलमग्न हैं। यहां राहत और बचाव कार्य जारी है। बताते चले कि अमेरिका में टॉर्नेडो आते हैं जिन्हें भारत में अंधड़ या तूफान कहा जाता है। इसमें जनहानि तो कम होती है लेकिन संपत्ति का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और इस समय कैलिफोर्निया के अंदर भी जबरदस्त भयंकर से अति भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। अब अमेरिका के 8 राज्यों में तूफान ने लगभग 8 करोड़ लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। लगभग दोस्तों 5,000 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान हुआ है और इस समय लाखों लोग अंधेरे में डूब गए हैं। अब तक की बड़ी अमेरिका में ब्लैकआउट हो गया है, जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर न निकले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब